काफी प्रॉब्लम से एज ऑफ नाउ जूझ रहा है, क्योंकि सोने का इंपोर्ट हमने प्लैटिनम के तौर पर यहां पर आता हुआ देखा है। हमारे साथ है एमएमटीसी पैम के पूर्व एमडी राजेश खोसला हैं। राजेश जी नमस्कार। एज ऑफ नाउ आज माना जा रहा है कि मीटिंग जारी है, जो गोल्ड एसोसिएशंस हैं इंडिया की, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी सरकार के साथ बातचीत है। बहुत जल्द शायद इसका एक निकाल भी निकल के आ जाएगा, लेकिन ऑलरेडी टनों टन यहाँ पर हम गोल्ड इम्पोर्ट आता हुआ देख चुके हैं प्लैटिनम के तौर पर, जहाँ पर एक डिस्टॉर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है जिसका फायदा ऑफ कोर्स यहां पर इंपोर्टर्स ने उठाया है। देखिए, द मैटर टू माय माइंड इज वेरी सिंपल। जब भी आप कोई अलॉय इंपोर्ट करते हैं, देन यू आर ओब्लाइज्ड टू डिस्क्लोज द कंटेंट ऑफ द अलॉय। इस मामले में प्लैटिनम अलॉय का मतलब कि प्लैटिनम कंटेंट 2% से ज्यादा है। तो जब आप प्लैटिनम अलॉय इंपोर्ट करते हैं तो आपका सप्लायर डिस्क्लोज करता है कि इसमें प्लैटिनम कितना है और बाकी प्रेशियस मेटल की कंटेंट कितनी है। ये जब कंसाइनमेंट कस्टम्स पे आती है, कस्टम्स हैज द अथॉरिटी टू टेक अ सैंपल, और सेंट्रल लेबोरेटरीज हैं कस्टम्स की, वहाँ इसका एनालिसिस होता है और जो भी रिजल्ट आता है उस बेसिस पे कस्टम्स ड्यूटी इवैल्यूएट होती है। अब इस केस में आप कह रहे हैं कि मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल 15% प्लैटिनम है और आप कह रहे हैं कि गोल्ड आ रहा है और मान लीजिए 80% गोल्ड है, तो जब कस्टम्स की लेबोरेटरी में ये टेस्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें 10% प्लैटिनम है और 80% गोल्ड है। अब प्लैटिनम की ड्यूटी तो आप सिपा के हिसाब से अप्लाई कर लीजिए, गोल्ड की ड्यूटी जो आपकी नॉर्मल गोल्ड की ड्यूटी है वो आप लगाएं, और इस बेसिस पे आपकी एक तो कस्टम्स इवैल्यूएशन और कस्टम्स रेवेन्यू बढ़ेगी, एंड नंबर टू ये जो आप कह रहे हो कि सरोगेट गोल्ड आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्लैटिनम अलॉय, ये अपने आप बंद हो जाएगा। इंसिडेंटली कस्टम्स मैनुअल में कस्टम्स को अधिकार है कि जब वो चाहें वो सैंपल ले सकते हैं और उसका टेस्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, कानून है, आप केवल उसको अप्लाई करें। तो अभी तक जो हो रहा था राजेश जी, आप कहेंगे कि एक ओवरसाइट थी या फिर इतने बड़े नंबर्स से इस तरह का इंपोर्ट हो जाएगा, सरकार को ऐसा नहीं लगा था? ऐसा है कि जब सरकार कुछ काम करती है इंडस्ट्री के भले के लिए, तो इंडस्ट्री में तो बहुत किस्म के उस्ताद हैं, वो देखते हैं कि भाई इससे मैं और फायदा क्या लगा निकाल सकता हूँ। तो ये अब पता चल गया कि देखिए ये कुछ हमने डिटेल में देखा नहीं, तो अब वो केवल उनको यही कस्टम्स को कहना है कि भैया जब भी आपका कोई भी अलॉय आए, चाहे प्लैटिनम अलॉय आए, चाहे कॉपर अलॉय आए, चाहे कोई भी अलॉय आए, आप उसका सैंपल लीजिए, टेस्ट करिए और उस हिसाब से आप कस्टम्स ड्यूटी लगाइए। एज सिंपल एज दैट। आप क्या ये इतना आसान होगा राजेश जी चेंज करना? बिकॉज ये जिस तरह से हमने इसका फायदा उठाते हुए देखा है, और अभी भी काफ़ी सारी कंसाइनमेंट्स ऑन द वे हैं, माना ये जा रहा है कि एक्सटर्नली भी कुछ कंट्रीज ने इस तरह का ही काम करना शुरू कर दिया है कि वो इसी तरह से बनाया जाता है जिसमें 10-15% प्लैटिनम है और बाकी गोल्ड है। देखिए, आई विल नॉट स्पेकुलेट ऑन हाउ द इंडस्ट्री इज वर्किंग। मैं तो आपको इतना कह रहा हूँ दैट इफ एज अ कंट्री वी आर फेस्ड विद अ प्रॉब्लम जी, बिकॉज a well-meaning notification has left a loophole which industry is exploiting, point taken. Then please apply the existing customs law, and as customs you have complete authority to take a sample of any item that comes into the country and do an independent test. Done. As simple as. राजेश जी, एक और चीज़, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और माना ये भी जा रहा है कि एक मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली में अपार्ट फ्रॉम दिस, जहां पर गोल्ड हॉल मार्किंग को अब ज़्यादा डीप डाउन स्प्रेड किया जा रहा है कि अभी कि 9% 9 9 कैरेट गोल्ड की भी हॉल मार्किंग होनी चाहिए, चांदी की भी अभी यहां पर हॉल मार्किंग है, HUID वगैरह होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसे? आप कहेंगे ये ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक और कदम है? आई पर्सनली बिलीव कि हॉलमार्किंग इज नाउ बिकमिंग द फ्लेवर ऑफ द डे। एवरीबॉडी वांट्स टू गेट ऑन टू हॉलमार्किंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द इंटेंट बिहाइंड हॉलमार्किंग। द इंटेंट बिहाइंड हॉलमार्किंग इज फॉर हायर ग्रेड्स ऑफ गोल्ड,
से 18 कैरेट एंड अबव, जहां गोल्ड कंटेंट और गोल्ड वैल्यू इज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द एंड प्रोडक्ट. When you are looking at 9 carat or 6 carat gold, the gold content is a fraction of the value of the product. Hmm. So when you, the international norm is anything that is 18 carat and above should be hallmarked. Hmm. Anything that is below, it is assumed that, listen, the gold content is not a major factor that goes into the price of the product. And therefore, whether it is 17 carat or whether it is 14 carat or whether it is 12 carat, it doesn't matter. And silver under hallmarking, usko kaise dekhte hain aap? Well, silver hallmarking is classic. Dekhiye, jab aap silver import karte hain, you are importing 3-9 silver. Hmm. However, the silver that you use in the market is 92.5%. Hmm. Sterling silver is 92.5%. So in any case, you have to alloy the silver from 999 to 92.5. Hmm. Therefore, if you must do hallmarking, please hallmark sterling silver, which is 92.5%. फेयर पॉइंट. राजेश जी बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए. और वो ऑफकोर्स सरकार क्या कर सकती है, ये जो हमने मल्टी लेयर्ड जो स्ट्रक्चर देखा है यहाँ पर ड्यूटीज के लिहाज से, उसको सही करने के लिए और ऑफकोर्स हॉल वॉकिंग पर भी अपनी राय देने के लिए. ऑलवेज अ प्लेजर. जस्ट लास्ट वन, सरकार अपनी तरफ से इंडस्ट्री का भला सोचती है जी, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री की नॉलेज बहुत ज्यादा है, सरकार जरा टेढ़ा नहीं सोचती, तो इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम्स आती है. पॉइंट टेकन राजेश जी, थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू. इसी के साथ एक ब्रेक का समय है.